हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग करेंगे पीएचपी का प्रोजेक्ट कि भाई पीएचपी में कोई भी वेबसाइट अगर हमें डायनामिक बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कोई भी डायनामिक वेबसाइट बनाने में कितना टाइम हमें लगेगा, वो आप इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो हम बनाएंगे गार्डनर गार्डनिंग की, पौधे पेड़ पौधे लगाने की। तो देखो, इस वीडियो में ना मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि डिजाइनिंग कैसे करनी है, क्योंकि मेन मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि हमें वेबसाइट को डायनामिक करना सीखना है, डिजाइनिंग नहीं सीखनी। एज अ डेवलपर, जो बिगिनर डेवलपर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, कोई अगर डेवलपर है तो वो वेबसाइट को डायनामिक कैसे करे, मतलब उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो देखो, वेबसाइट का पहले मैं डेमो दिखा देता हूं कि क्या हम करने वाले हैं। ये वेबसाइट होने वाली है हमारी गार्डनर, जिसमें ये अपना होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, सर्विसेज पेज होगा, प्रोजेक्ट्स होगा, ये पेजेस नहीं होगा, यहां पर होगा हमारा आवर टीम और कॉन्टैक्ट। ये नंबर ऑफ पेजेस होंगे हमारे, नंबर ऑफ पेजेस, होम होगा, अबाउट होगा, सर्विसेस, आवर टीम, कॉन्टैक्ट, ये पांच पेज होंगे हम। तो देखो, आप लोगों को करना क्या है, कोई भी थीम नेट से डाउनलोड कर लेनी है, कोई भी डिजाइन। जैसे कि देखो, मैंने लिखा है यहां पर बूटस्ट्रैप 5 थीम डाउनलोड। मैंने इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करा, ऐसे आपको नंबर ऑफ लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे आपको फ्री में टेम्पलेट मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं डिजाइनिंग करके दिखाऊं शुरू से तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, और एक डेवलपर के लिए डिजाइनिंग करना जरूरी नहीं है। मेन ये है कि वेबसाइट डायनामिक कैसे करें। तो मैं इस वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट पे मैंने ये टेम्पलेट चूज किया गार्डनर। अभी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करने का, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गया, 1 MB का है ये। चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में, इसको मैंने कट कर दिया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप अपने htdocs में जाएंगे, जैम्प के अंदर htdocs में, और मैंने यहाँ पे देखो फोल्डर बना रखा पीएचपी प्रोजेक्ट्स और एक फोल्डर बना दिया मैंने गार्डनर। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा इमेजेस का, इसको मैं रिनेम कर देता हूँ, तो प्रोजेक्ट में इस नाम से फोल्डर हो सकता है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता, इसमें जो भी फाइल है इसको मैं बाहर निकाल के रख। ठीक है, और इसमें से जो भी फोल्डर है गार्डनिंग का हटा देता हूं मैं, और ये जिप इसको भी मैं हटा। अब देखो, फर्स्ट स्टेप जो है डेवलपर का ये होता है कि जो भी डिजाइन है आपका उसकी जो HTML फाइल्स हैं उसको आपको पीएचपी में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसका जो हेडर फुटर या जो भी रिपीटेटिव एरिया है उसको आपको कट कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है डेवलपर का, तो हम भी कर लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं इसके HTML फाइल को नोटपैड प्लस प्लस में, और इसको सेव एज करके .php में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने इसे .php में कन्वर्ट कर दिया, इंडेक्स पेज को कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद अबाउट को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मैंने अबाउट को कन्वर्ट कर दिया .php में, और हमें चाहिए सर्विसेज का पेज। ठीक है, सर्विस का पेज कर देते हैं,
अपनी सर्विस का पेज हमने कर लिया, साथ ही साथ एचटीएमएल फाइल को डिलीट कर देना है और ये टेक्स्ट फाइल भी जो है इनको डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद हमारा टीम पेज चाहिए हमें एक, ये टीम का पेज हमने कर लिया पीएसपी में कन्वर्ट, टेस्टिमोनियल हमें नहीं चाहिए हटा देते हैं इसे, फीचर हमें नहीं चाहिए हटा देते हैं, प्रोजेक्ट का पेज हमें चाहिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये कॉन्टैक्ट का पेज हमें चाहिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो जो आपको पेज चाहिए उसको आप पीएचपी में कन्वर्ट कर, एचटीएमएल आप हटा, ये कोड हमें नहीं चाहिए हटा दी, 404 फिलहाल नीचे हटा दी, ठीक है। अब हमारे जो पेजेस थे वो पीएचपी में कन्वर्ट हो गए। अब आपको क्या करना है कि जो भी रिपीटेटिव एरिया है उसका हेडर और फुटर कट कर लेना है। तो पहले इसको एक बार रन कर लेते हैं, लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम है हमारा पीएचपी प्रोजेक्ट्स गार्डनर, ठीक है, परफेक्ट रन हो गया हमारा प्रोजेक्ट। तो अब क्या कर लेते हैं, हेडर और फुटर कट कर लेते हैं इसका। तो देखो हेडर फुटर के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जो मेरा तरीका है, देखो हर एक डेवलपर का अपना कोड लिखने का अलग तरीका होता है, मेरा तरीका है कि देखो हर पेज में ये जो एरिया है हेड में जो एरिया फेविकॉन या सीएसएस ये भी चीज क्या रिपीट होती है हर पेज पे, तो मैं क्या करता हूँ इसको भी कट कर देता हूँ और इंक्लूड करा देता हूँ। इसके लिए मैंने एक न्यू फाइल बनाई और इसको हम क्या करेंगे एक फोल्डर बना लेंगे इंक्लूड्स के नाम से, इंक्लूड्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं सेव कर दूंगा इसे css.php और टाइप्स। देखो जहां से मैंने कट किया वहीं पे इसको क्या करूंगा इंक्लूड करवा दूंगा, पीएचपी इंक्लूड वंस। देखो इंक्लूड कराने के अलग अलग मेथड्स हैं पीएचपी में, तो आप इंक्लूड वंस यूज कर सकते हो, आप इंक्लूड भी लिख सकते हो। मैंने फोल्डर का नाम दे दिया और फाइल का नाम दे दिया। देखो ऐसा करने से क्या हुआ ना, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया कि यहाँ पे जो इतना सारा कोड था सब हट गया। हम यहाँ पे टाइटल और मेटा जो कीवर्ड्स होते हैं इनको कट नहीं करते क्योंकि ये हर पेज का अपना अलग होता है, यूनिक होता है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। सीएसएस हमने कट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे हेडर और फुटर, ये स्पिनर, अगर आपको ये स्पिनर चाहिए कि भाई वेबसाइट लोड होने से पहले वो घूमे तो आप इसे रखें, मुझे ये नहीं चाहिए मैं इसको हटा देता हूँ और हेडर कट कर लेता हूँ यहाँ से। अब हेडर जो है देखो यहां तक है कि ये मैंने हेडर कट कर लिया, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इंक्लूड फोल्डर के अंदर हेडर को सेव कर लेते हैं, हेडर डॉट पीएचपी, ये हो गया आपका ऑल टाइप, इसको हम इंक्लूड करा देंगे जहां से हमने कट किया है। तो हम लिख लेते हैं पीएचपी इंक्लूड वंस इंक्लूड्स हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये हमारा हेडर इंक्लूड हो गया और सीएसएस फाइल इंक्लूड हो गई। अब चलते हैं अपने फुटर की तरफ, बॉटम में चलते हैं। देखो फुटर जो है वो यहां से स्टार्ट है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये फुटर और इसके नीचे जो कॉपीराइट है या फिर ये स्क्रिप्ट है सबको कट कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना ये हर पेज को कॉमन होता है, इसीलिए मैं इसको एक ही बार मैंने कट कर लिया और एक न्यू फाइल ले लेते हैं, उसे मैंने सेव कर दिया
फूटर, आप चाहो तो इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, फूटर और जो आपकी स्क्रिप्ट्स थी उसको भी आप अलग कर सकते हो scripts.php में। मैंने एक में कर दिया क्योंकि ये सब में क्या होता है सेम ही होता है, इसीलिए मैंने एक ही कर दिया इसमें। पीएचपी इंक्लूड इंक्लूड्स फूटर डॉट पीएचपी। ये देखो होम पेज पे हमने क्या करा, हेडर फूटर और सीएसएस जो रिपीटेड एरिया था उसको हमने इंक्लूड कर लिया। तो डेवलपर का फर्स्ट काम यही होता है कि वो एचटीएमएल फाइल को पीएचपी में कन्वर्ट करे और उसका हेडर फूटर सीएसएस उसको कट करे। हम क्या करते हैं इसको हर पेज पे इंक्लूड करवा देते हैं। ये मैं अबाउट पे क्या करता हूँ इंक्लूड करा लेता हूँ सब हटाकर, ऐसे ही हेडर कॉपी कर लेते हैं और ये सब हटा देते हैं। ये हो गया हेडर, लास्ट में चलते हैं फुटर पे, फुटर इंक्लूड करा लेते हैं। हो गया आपका फुटर, ऐसे सर्विसेज में कर लेते हैं, ऐसे मतलब जितने पेजेस है आपके उन पेजेस में आप क्या करो इंक्लूड करो। ये हो गया आपका सीएसएस करा लेते हैं जल्दी से, ये हेडर हो गया। इंडेक्स अबाउट सर्विस इन तीन पेज में हो गया, चलते हैं टीम वाले पेज में। टीम पेज में हमने कर लिया सीएसएस, हेडर करा लेते हैं, हो गया हेडर। उसके बाद है फूटर, तो फूटर करा लेते हैं, फूटर हो गया। तो ये टीम पेज में भी हो गया। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पेज में, हमारा प्रोजेक्ट पेज और लास्ट हमारा कॉन्टैक्ट पेज। फूटर कर देते हैं, ये क्या हमने सारे पेजेस पे हेडर फुटर इंक्लूड कर लिया। अब क्या करते हैं अपने पेजेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो आप ये कर लोगे उसके बाद क्या करो आप अपने पेजेस को कनेक्ट कर लो, जैसे होम पेज है तो होम पेज को हो गया आपका इंडेक्स डॉट पीएचपी, अबाउट है वो हो गया अबाउट डॉट पीएचपी, सर्विस है ये हो गया आपका सर्विस डॉट पीएचपी, प्रोजेक्ट डॉट पीएचपी, पेजेस हमें रखना नहीं है तो पेजेस हमने हटा दिया। ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी, गेट अ कोड में भी हमने कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी का लिंक दे दिया और एक टीम के लिए हम लिंक बना लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया आवर टीम
हो गया हमारा टीम डॉट पीएच, चेक कर लेते हैं। ये देखो लिंक हो गया, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखो परफेक्ट क्लिक हो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है कि अपना प्रोजेक्ट एसटीडॉक में सेटअप करना है, उसके जो पेजेस हैं उनको पीएचपी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हेडर फुटर इंक्लूड कर। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, तो जब ये काम हो जाए तो अब क्या करें। तो देखो सेकंड स्टेप ये होता है, मैं लिख भी देता हूं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट है आपका, पेस्ट योर डिजाइन प्रोजेक्ट इनटू एसटीडॉक्स फोल्डर, कन्वर्ट एचटीएमएल फाइल इनटू पीएचपी, कट हेडर एंड फुटर ऑफ द पेजेस। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट वे में लिख दिया एकदम, कि पहले स्टेप में आपको ये काम करना है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, कि भाई अब क्या करें। देखो सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिगनर डेवलपर एकदम फ्रेशर की नए नए लगे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि सर ठीक है ये तो कर लिया हमने, ये तो ठीक है, अब हमें ये नहीं पता लग पाता कि इस प्रोजेक्ट में कितनी टेबल बनानी है, क्या चीजें डायनामिक होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी। अब ये क्लाइंट तो हमें बताएगा नहीं, ना ही टीम लीडर बताएगा, ये तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या चीजें डायनामिक करनी है और डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल बनानी है। तो उसका देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, होम पेज से स्टार्ट करना है। आप होम पेज में देखो कि क्या क्या चीजें एडिटेबल है। जैसे कि पहला एग्जांपल ये स्लाइडर, ये आप जानते हो कि टाइम टू टाइम एड ऑन होगा, स्लाइडर की इमेजेस जो टाइम टू टाइम हम बदलते हैं। तो आप क्या करो, मतलब सेकंड स्टेप आपका डेटाबेस डिजाइन, ये आपका सेकंड स्टेप है। इसमें आप क्या करो, मेन मेन हेड नोट डाउन कर लो, मैंने लिख दिया टेबल नेम। पहली टेबल हो गई हमारी स्लाइडर के नाम से, मतलब इसको हम स्लाइडर बोलते हैं, तो ये हमारी पहली टेबल होगी। इसके अंदर कितने कॉलम है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, पहला मोटा मोटा स्टेप। ये आपने लिख दिया कि भाई स्लाइडर जो है ये चेंजेबल है, तो ये डायनामिक होगा। अब ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करो, अब ये क्या है, ये है अबाउट, ये ना ये चेंजेबल नहीं होता। मतलब अबाउट में क्या है, एक बार हमने लिख दिया अपने बारे में, तो इन फ्यूचर बड़े लंबे समय बाद कोई चेंज करना हो तो करते हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंट हमें जरूरत नहीं पड़ती कि बार बार बदलना है, इसको हम स्टैटिक छोड़ देते हैं। ये काउंटर्स के कितने हैप्पी क्लाइंट है, कितने डेडिकेटेड, ये भी स्टैटिक छोड़ देते हैं। बाय चूजर्स, ये भी स्टैटिक छोड़ देते हैं। सर्विसेज, ये डायनामिक होंगी। क्यों? क्योंकि देखो आज हम चार सर्विस दे रहे हैं, पांच सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर जब हमारा काम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, नई नई सर्विसेज और ऐड करेंगे। तो सर्विसेज क्या है, ये एक ऐसा सेक्शन है जो टाइम टू टाइम एड ऑन होगा, और इसमें कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे इसको और बेटर बनाने के लिए। तो सर्विसेज पार्ट जो है वो डायनामिक होगा। तो आप सेकंड नंबर पे लिखो कि भाई सर्विसेज भी डायनामिक हो। मतलब आपको ना देखो अपनी वेबसाइट में ये क्लियर करना है कि क्या क्या चीज चेंजेबल है, जो टाइम टू टाइम चेंज होंगे। जो स्लाइडर क्लियर है कि भाई ये चेंज होगा, ऐसी सर्विसेज ये भी टाइम टू टाइम चेंज होंगी। अब आ जाओ आप नीचे, थर्ड नंबर है आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसको हम क्या करेंगे, मेल पे तो भेजेंगे, इसको हम डेटाबेस में भी सेव कराएंगे। तो इसको भी आप सेव पे एक टेबल बना लो इसकी इंक्वायरी के नाम से, कि जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसकी इंक्वायरी टेबल में जाएगी। फोर्थ नंबर आपका प्रोजेक्ट्स, भाई प्रोजेक्ट्स हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम अपने अपडेट करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट की हमने ये काम किया है, ऐसा किया, क्योंकि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पाएगा हमारा पोर्टफोलियो जरूर चेक करेगा कि हमने कितना काम किया है।
तो आप इसके लिए भी केवल एक दो फोर्थ नंबर प्रोजेक्ट्स स्क्रॉल डाउन करते हैं। ऐसी टीम, अब देखो टीम में क्या है, आज तीन मेंबर है, कल को दो और बढ़ते हैं, टाइम टू टाइम क्या टीम हमारी बड़ी होती जाती है, तो हम टीम मेंबर यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो ये हमारी फिफ्थ नंबर की टेबल हो गई टीम। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल भी टाइम टू टाइम अपडेट होंगे, हम क्लाइंट के टेस्टिमोनियल डालेंगे नए नए, उनका फीडबैक डालेंगे। ये हो गया सिक्स्थ नंबर टेस्टिमोनियल्स। फ्यूचर ऐसे रहेगा, देखो मेन मेन होम पेज में दिख गया कि यार ये छह टेबल बनानी है। अब देखो होता क्या है ना, हम एक टेबल इस चीज के लिए भी बनाते हैं जहां से हम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोगो, सोशल मीडिया लिंक्स, इन चीजों को भी अपडेट कर सके। तो उस टेबल का नाम जो मैं रखता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ साइट सेटिंग्स, साइट सेटिंग्स। ये तो हो गया होम पेज का। अबाउट सर्विसेज, देखो होम पेज अगर आपने अच्छे से देख लिया ना, तो होम पेज से ही एकदम क्लियर हो जाता है कि डेटाबेस में कितनी टेबल हमें बनानी है। अब बात आते हैं कि ठीक है जी, हमने मेन मेन हेड तो लिख लिए, मेन मेन हेड तो हमने लिख लिए, अब इन टेबल में कितने कॉलम्स बनाने हैं। अब दोबारा से देखो यहीं से स्टार्ट करो, आपने लिखा स्लाइडर टेबल बनानी है। अब स्लाइडर में देखो क्या क्या है, इमेज है, हेडिंग है, और एक बटन का यूआरएल होगा। तो आप यहां पर आ जाओ स्लाइडर टेबल में, सबसे पहले एक कॉलम हो गया आईडी, जो कि हम एडिट और डिलीट करने के लिए यूनिक कॉलम बनाते हैं, प्राइमरी की वो हो गया। उसके बाद हो गया आपका इमेज, थर्ड नंबर हमने इसमें देखा हेडिंग, फोर्थ नंबर हमने इसमें देखा यूआरएल। उसके बाद दो कॉलम हम अपनी तरफ से बनाते हैं, एडिट डेट और मॉडिफाइड डेट, और इसी के साथ साथ एक बनाते हैं हम स्टेटस। देखो ये चार तो ठीक है आपको दिख रही थी, इमेज दिख रहा है, हेडिंग दिख रहा है, यूआरएल दिख रहा है, ये क्या बनाया मैंने। स्टेटस का मतलब है कि देखो आपने कोई इमेज एड ऑन करी, अब मैं नहीं चाहता कि वो सीधा पब्लिश हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे को वो चेक करवानी है अपने सीनियर से, तो ये इमेज सही है कि नहीं है, मतलब क्रॉस चेक करवाना है पहले, सीधा पब्लिश नहीं करवाना। तो स्टेटस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि पब्लिश करनी है कि नहीं, तो वो स्टेटस हम यहाँ रखते हैं। एडिट डेट, एडिट डेट से हमें पता लगेगा कि हमने ये इमेज कब ऐड करी थी या कब मॉडिफाई करी थी, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड में हमारे पास होना चाहिए कि अच्छा ये इमेज इस दिन ऐड करी गई थी या फिर ये वाली इमेज इस दिन मॉडिफाई करी गई थी। तो ये हमारी स्लाइडर टेबल कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ आप सर्विस टेबल पे, सर्विस में आपका आईडी हो गया सबसे पहले, और इस सेक्शन पे आ जाओ आप सर्विस वाले पे, आईडी हो गया, और उसके बाद इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सर्विस का नाम हो गया और उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, और इसमें एक आइकन दिख रहा है हमें, और माउस ले जाने पे देख रहे हो इसमें इमेज भी है, तो इमेज हो गई। तो ये मेन मेन है इसमें कि भाई इमेज लगा दी हमने, आइकन हो गया, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेज हो गया। उसके बाद आपका सर्विस में स्टेटस का वैसे मतलब होता नहीं, वहाँ पे हम पब्लिश एंड पब्लिश का नहीं करते, लेकिन फिर भी बना लो कि भाई कोई सर्विस ऐड करी है, पहले अप्रूवल लेना है अपने सीनियर से, क्लाइंट से पूछना है कि ये सर्विस ठीक है कि नहीं है, फिर करना है, तो एक स्टेटस भी हम दे ही लेते। मतलब ये तीन जो कॉलम है ना, एडिट डेट, मॉडिफाइड डेट और स्टेटस, इसको तो आप समझो हर टेबल में बना दो। तो ये हमारी सर्विस टेबल देखो कंप्लीट हो गई। देखो बहुत इजी है अगर आप चीजों को सही से समझकर, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थर्ड नंबर है कॉन्टैक्ट का, तो देखो इंक्वायरी में क्या है आपका, आईडी हो गई, नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल, सब्जेक्ट और मैसेज। इसमें मॉडिफाइड डेट होगा नहीं, स्टेटस होगा नहीं, और एडिट डेट हो जाएगा कि कब हमारे पास इंक्वायरी है, इसमें कोई मॉडिफाई होगा नहीं रखता है। अब आ जाइए आप नीचे प्रोजेक्ट्स, देखो प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो ऊपर ना कैटेगरी है,
ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रही है कैटेगरी के बिहाफ पे। देखो बिगनर ना यही मिस्टेक कर जाता है, बिगनर ने मोटा मोटा तो लिख दिया कि प्रोजेक्ट और वो बना देगा इमेज हेडिंग वेडिंग, लेकिन ये ध्यान रखो ये कैटेगरी के बिहाफ पर है। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट से पहले एक टेबल और एड ऑन हो जाएगी हमारी कैटेगरी की। आप इसको ये नाम भी दे सकते हो प्रोजेक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। प्रोजेक्ट कैटेगरी में आप सेव कराओगे आईडी, प्रोजेक्ट कैटेगरी का नाम, उसका स्टेटस और एडिट डेट और मॉडिफाइड डेट। अब आ जाओ प्रोजेक्ट टेबल। अब देखो जो प्रोजेक्ट आप डालोगे इसकी आईडी हो गई, और उसमें आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे प्रोजेक्ट की आईडी, मतलब प्रोजेक्ट कैटेगरी की आईडी, कौन सी कैटेगरी का प्रोजेक्ट आप डाल रहे हो। और उसके बाद आप डालोगे इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जैसे इस पर देखो इमेज ले जाने का नाम लिखा है, उसकी इमेज लिंक देने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधा पॉपअप खुलवाएंगे। और स्टेटस एडिट डेट मॉडिफाइड, ये हमारी प्रोजेक्ट्स की टेबल हो गई। अब आ जाओ आप नीचे टीम पर, टीम पर देखो क्या क्या है। टीम में हमारा सबसे पहले तो हो गया आईडी, मेंबर का नाम हो गया, और उसकी डेजिग्नेशन हो गई, सोशल मीडिया आइकन से भी जरूरत नहीं इसको हम हटा देंगे, ये कोई नहीं लगता क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम दिखाएं। नेम हो गया, आईडी हो गई, डेजिग्नेशन हो गई, इमेज हो गया, और फिर वही आपका स्टेटस एडिट डेट और मॉडिफाइड डेट। तो ये हमारी टीम की टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। हम नीचे आ जाते हैं, हम अपना टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स पे देखो क्या है, आईडी हो गई और इमेज हो गई क्लाइंट की, उसका नाम हो गया, और इमेज जो क्लाइंट है उनका प्रोफेशन आप कह सकते हो, डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, और उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या फीडबैक है, उनका स्टेटस मतलब पब्लिश करना है कि नहीं करना, एडिट डेट मॉडिफाइड डेट, ये हो गया हमारा टेस्टिमोनियल्स। लास्ट हमारा साइट सेटिंग्स है, साइट सेटिंग्स में होता है हमारा आईडी और फोन नंबर, फोन नंबर वन और फोन नंबर टू ऑप्शनल रख देते हैं, एक अल्टरनेट और एक प्राइमरी, इस तरीके से भी नाम दे सकते हो आप। उसके बाद फोर्थ में हो गया आपका ईमेल, फिफ्थ में हो गया आपका एफपी, टीडब्ल्यू, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, एड्रेस। और देखो मोटिव और ऐसे हो गया आपका लोगो, मतलब इसमें क्या है ना साइट सेटिंग्स से मैंने मोटी मोटी डिटेल डाल दी कि भाई ये लोगो होगा, ये एड्रेस होगा, ये सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे। तो इस तरीके से आपका जो है सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। देखो फर्स्ट स्टेप में तो था आपका पीएचपी वाला काम, सेकंड स्टेप में आपने क्या करा कि अच्छे से देख लिया कि अच्छा ये टेबल बननी है, डेटाबेस ऐसे बनना है, उस टेबल में इतनी कॉलम्स बननी है। तो इस तरीके से आपको सेकंड स्टेप क्लियर कर लेना है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे कि भाई अपने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया और डेटाबेस का डिजाइन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एडमिन पैनल कैसे सेटअप करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।